शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म इन दिनों काफी सुर्खियों में है। फिल्म जगत से लेकर राजनीतिक हलके में इस फिल्म के समर्थन में और विरोध में न सिर्फ बयानबाजी का दौर जारी है, बल्कि इस फिल्म के विरोध में सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कड़ी में सोमवार को रामनगरी अयोध्या में संत समाज ने सड़क पर उतरकर फिल्म पठान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संतों का कहना है कि फिल्म में हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत किया गया है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास के बाद तपस्विनी छावनी के संत परमहंस आचार्य का बड़ा बयान अब सामने आया है। उनका कहना है कि यदि किसी भी सिनेमाघर में पठान फिल्म चली तो उस सिनेमाघर को ही जला दिया जाएगा। हम लोग तैयार हो गए हैं। हमारे प्रभु श्री राम ने राक्षसों का वध किया, भगवान कृष्ण ने राक्षसों का वध किया, हनुमान ने राक्षसों का वध किया, भगवान शिव प्रलयंकर ने राक्षसों का वध किया, और अब साधु संत जो सनातन विरोधी जिहादी हैं, इनका वध करने के लिए तैयार हैं। अगर ये लोग इस फिल्म को नहीं रोके, अगर यह पठान फिल्म नहीं रोकी गई, तो निश्चित रूप से इन जिहादियों का वध हम लोगों के हाथ होगा। वंदे मातरम। बिल्कुल फूंका जाएगा। जिस भी सिनेमा हॉल में ये जो है तो मूवी दिखाई जाएगी, उस सिनेमा हॉल को हम लोग जो है फूकेंगे। और ये अपील भी करते हैं कि जहां कहीं भी ये फिल्म लगे, उस थिएटर को बिल्कुल फूको, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान अगर होगा तो जो भी उसमें सहयोगी हैं उनको दंडित किया जाएगा। शाहरुख खान पर देश की संस्कृति को नीचे दिखाने का आरोप लगाते हुए संत परमहंस आचार्य ने शाहरुख खान का पोस्टर जलाकर उसका विरोध जताया। तपस्वी छावनी के महंत ने कहा कि बार बार बॉलीवुड की फिल्मों में ही हिंदू देवी देवताओं और भगवा का अपमान किया जा रहा है। परमहंस आचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने शाहरुख खान को लेकर भी विवादित बयान दे डाला। फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है, और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है, और मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जो इस तरह की फिल्म वेब सीरीज बन रही है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार वाइकाट होना चाहिए। किसी में दम नहीं है। मैं कहता हूं कि शाहरुख खान तो इस्लाम से आता है, अपने मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी करके बता दे, पैगंबर मोहम्मद पर कोई जो है फिल्म अथवा वेब सीरीज बना दे, किसी में दम नहीं है। परमहंस आचार्य ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि फिल्मों में हिंदू धर्म का अपमान खत्म नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो जहां हमारी संस्कृति का अपमान हो रहा है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। सभी इस फिल्म का बहिष्कार करें। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों और संत समाज का आरोप है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान में भगवा रंग का अपमान किया गया है।